लेटेस्ट खबरें पाने के लिए सब्सक्राइब करिए हमारे चैनल को, दबाइए इस घंटी के बटन को, पाएं लेटेस्ट खबरें सबसे पहले। भोपाल सहित प्रदेश के अन्य शहरों में अगले 48 घंटों में भारी बारिश की संभावना। प्रदेश में मानसून का कहर जारी है। लगातार हो रही बारिश की वजह से भोपाल और कई अन्य शहरों में अगले 48 घंटों में बाढ़ की संभावना बन रही है। अगले 24 घंटों के दौरान दक्षिण पश्चिम मध्य प्रदेश के इंदौर, उज्जैन, भोपाल, होशंगाबाद, जबलपुर संभाग के सभी जिले में कुछ स्थानों पर भारी बारिश की उम्मीद है। इसी के साथ अलीराजपुर, अनूपपुर, बालाघाट, बड़वानी, बैतूल, भोपाल, बुरहानपुर, छिंदवाड़ा, दमोह, देवास, धार, डिंडोरी, हरदा, होशंगाबाद, इंदौर, जबलपुर, कटनी, खंडवा, पूर्वी निमर, खरगोन, पश्चिम निमर, मांडला, मंदसौर, नरसिंहपुर, रायसेन, राजगढ़, रतलाम, सागर, सीहोर, सिवनी, शाहडोल, शाजापुर, उज्जैन, उमरिया, विदिशा, झाबुआ जिलों के कुछ स्थानों पर बाढ़ जैसी स्थिति आने की संभावना है। मध्य प्रदेश के बाकी हिस्सों में कहीं कहीं भारी वर्षा के साथ हल्की से मध्यम बारिश होने की संभावना है। प्रदेश में वर्तमान में मानसून सक्रिय है तथा आगामी 4 से 5 दिनों के दौरान मानसून स्थिति के प्रबल बने रहने की संभावना है। 13 जुलाई से उत्तरी बंगाल की खाड़ी में कम दबाव का क्षेत्र बनने की संभावना है। औसत समुद्र तल से 2.1 किलोमीटर तक विस्तारित छत्तीसगढ़ तथा आसपास के पूर्वी मध्य प्रदेश के ऊपर चक्रवाती परिसंचरण तक मानसून द्रोणिका के साथ बना हुआ है। आगामी 3 से 4 दिनों के दौरान प्रदेश के अधिकतम एवं न्यूनतम तापमानों में विशेष बदलाव के आसार नहीं है। 16 से 18 जुलाई के दौरान मध्य प्रदेश के लगभग सभी संभागों के जिलों में गरज चमक के साथ बौछारें पड़ने के साथ ही कहीं कहीं भारी बारिश हो सकती है। राजधानी भोपाल का बुधवार को न्यूनतम तापमान 23.8 डिग्री सेल्सियस, इंदौर का 22.2 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर का 29 डिग्री सेल्सियस और जबलपुर का न्यूनतम तापमान 25.6 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। वहीं मंगलवार को भोपाल का अधिकतम तापमान 30.4 डिग्री सेल्सियस, इंदौर का 30.4 डिग्री सेल्सियस, ग्वालियर का 39 डिग्री सेल्सियस और जबलपुर का अधिकतम तापमान 33 डिग्री सेल्सियस रहा।